good morning. Better. Excuse me, madam. मेरा नाम है शशिकांत अग्निहोत्री, भरी दोपहर में. ना खाली रात में भी होता तो भी क्या कर लेता तू. अरे करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कर ही नहीं पा रहा हूँ ना भरी दोपहर में. ओ अंकल, जो भी बोलना है जरा खुल के बोल दो, वरना हमारी मैडम आपको खोल देंगी. क्यों, हमारी मैडम एक नंबर की चंट. मेरा मतलब है एक नंबर की खुर्राट. मेरा मतलब है एक नंबर की गुस्से वाली है. अरे गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है, जो बार बार मुझे काटता है. कौन तुम्हें काटता है, तुम्हारा कुत्ता? नहीं, बंदर. बंदर? तो हमने जो है यहाँ जू खोल रखा है, है मदादी हो रहे हैं हम, डमरू हैं हमारे हाथ में, बांदरों के केस सॉल्व करेंगे. यो कौन हो रही छोरी? ये मेरी बेटी है लवलीना अग्निहोत्री. और प्यार से लोग मुझे लव कहते हैं. चुप बैठ. मैडम ये मेरी बेटी है, कुछ दिन पहले ये है ना जू में गई थी भरी दोपहर में, तो वहां पे इसके पीछे एक बंदर दीवाना हो गया. वैसे देखने जाए तो सारे मोहल्ले में पान वाले से लेके पंचर वाले तक सारे इसके दीवाने हैं, लेकिन ये कि ये बंदर के पीछे दीवानी बन गई है भरी दोपहर में. Yes, I love बंदर, you know. भाई के खा के पैदा करा है इसकी माँ ने इसे, मूंगफली या केले? क्यों भाई, छुटे चिल्लरों की तरह मोहल्ले में लौंडे घूम रहे हैं, वो दिखाई ना देते तेरे बांदर से प्रेम हो रहा है तेरे को? वही तो मैं भी कह रहा हूँ मैडम. और आगे सुनिए मैडम, ये हमेशा है ना मुझे झूठ बोलकर जाती है कि मैं जा रही हूँ कॉलेज पढ़ने के लिए, जबकि ये जाती है जू में भरी दोपहर में उस बंदर से मिलने के लिए. हाय हाय. अब हालत ये है मैडम कि वो बंदर है ना मेरे घर में शिफ्ट हो गया. मेरी वाइफ है वो शर्मा जी के घर में शिफ्ट हो गई है. मेरे पड़ोसी जिस पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है. और मैं दो दिन से मैडम, दो दिन से घर के बाहर घूम रहा हूँ, क्योंकि वो बंदर जैसे मुझे देखता है काट लेता है भरी दोपहर में. इश्क में अंधी, प्यार में पागल, क्या कह रहा है डैडी? देखिए आई लव बंदर. और पता है वो कोई मामूली बंदर नहीं है, वो बहुत ही अनोखा बंदर है. पता है मैं जब उसे कहती हूँ हग मी तो वो मुझे हग करता है, मैं उसे कहती हूँ किस मी तो वो मुझे किस करता है, और पता है कभी कभी तो वो बिना बोले ही किस कर देता है. और पता है आज आज उसने क्या किया मुझे? मैटर नहीं है ये मामूली, बंदर से मिलना है जरूरी. ओके बाय. भाई लवलीना, मोहब्बत की पुतली, प्यार की पेंटिंग. ऐसा है कल तू अपने उस आशिक बंदर और अपने डैडी ने लेके जो है थाने में आ जा, कल करेंगे हिसाब किताब. नहीं मैडम नहीं, मैं थोड़ी देर के बाद में आऊंगा, क्योंकि बंदर जैसे मुझे देखेगा वो मुझे काट लेगा भरी दोपहर में. हाँ भैया बंदर महाराज, जरा असलियत पे आ, वरना मैं तन्ने सही का बंदर बना देती हूँ. नहीं नहीं नहीं, मैं बंदर नहीं, मैं तो इंदर हूँ. हमने तो समझा था इसे बंदर, लेकिन ये तो आदमी निकला बंदर की खाल के अंदर. ओके बाय. ओए तुम्हें शर्म नहीं आती, इंसानों के बंदर बन के घूम रहे हो? शर्म आती है अंकल, पर हम क्या करें, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर लवलीना के डैडी जो है ना वो हमारी शादी के खिलाफ है, क्योंकि मैं अमीर नहीं हूं ना. वो तो इसकी शादी किसी और के साथ कराना चाहते हैं. अमीरी गरीबी ऊंच नीच ये सब प्यार करने वालों के सामने कोई मायने नहीं रखता. I'm proud of you, दोस्त, क्या बात है. लोग तो मोहब्बत के लिए आवारा दीवाना पागल हो जाते, तुम तो बंदर बन गए. बहुत अच्छे बहुत अच्छे. चंद्रमुखी जी, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप प्यार करने वालों के खिलाफ नहीं हो सकती. प्लीज इन दोनों मासूमों की मदद करो, हेल्प देम. हाँ मैडम, अगर मेरे डैडी को पता चल गया ना कि ये बंदर नहीं इंदर है, तो फिर हम दोनों फिर से एक बार जुदा हो जाएंगे. I love him. I love him. Oh, प्रेम के आकाश में उड़ते जुगल जोड़ियों, टेंशन ना लो. और तू इंदर,
ईप तो जब तक मैं ना कहूं तू बंदर ही बना रहे। ईप तो थारी शादी भी होगी, बारात भी आएगी, सहनाई भी बजेगी और थारे बाप का बैंड भी बजेगा। अरे इसको खींचो खींचो खींचो। खींच रहा हूँ। मैडम मैडम आप सोचती ही रहेगी या कुछ बोलेगी भी भरी दोपहर में। ओ सस्सी, ज्यादा जो है ना एक साइट होने की कोई जरूरत ना है। हमने जो है इस बंदर से बात करी है। क्या? आपने बंदर से बात की? अरे भाई ऐसा है ना कि यो जो हमारा हवलदार से गुलगुले एक बार बचपन में एक बांदरों की टोली से किडनैप करके जंगल लेगी, तो भाई 10 साल यो जंगल में बांदरों के बीच पला बड़ा है, तो उनसे इंटरेक्शन जो है कम्युनिकेशन सही कर सके यो। हाँ भाई यो पूछ के कह रहा यो। मैडम एक बार फिर से पूछ के बताता हूँ। ये कह रहा है कि इसे 5-स्टार होटल में खाना खाने का बड़ा शौक है, तो अगर आप इसके लिए 5-स्टार होटल का खाना मंगा दें तो ये खुश हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए ना, हम इसके लिए खाना मंगा देते हैं 5-स्टार होटल से, आपको हम बिल भेज देंगे। ओके लेकिन 5-स्टार होटल मान जाओ यार, वरना लोग क्या कहेंगे, अग्निहोत्री का दामाद एक बांदर। नहीं 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 नहीं, ठीक है नो प्रॉब्लम, आप जो भी चाहिए वो मंगवा लीजिएगा और बिल मुझे भिजवा दीजिएगा भरी दोपहर में। मत भेजिए। तो भाई इंदर क्या खाओगे बताओ? आलू दम, मटर पनीर, शाही पनीर। हाय सब मिलेगा सब मिलेगा। गोपी तू क्या खाएगा? एक तंदूरी चिकन, एक क्वार्टर बटर नान भी। अरे मिलेगा यार, सबको मिलेगा। मैडम आप क्या खाएंगी? पेने अराबियाता, लज़ानिया बोलोनेज, एंचिलादास विद एक्स्ट्रा चीज, डेथ बाय चॉकलेट एंड वन वर्जिन पीना कोलादा। ओहो यही वाला मेरे लिए भी 3। मंगाता हूँ मैडम। तो आज हमारे चौकी में होगी दावत। बहुत यार वो भी बहुत हो गया, बाकी का पैक कर ले यार, घर ले जाएंगे। ये थोड़ा सा रखा मैडम। बंदर बंदर मैडम 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 ये सब क्या हो रहा है भरी दोपहर में? खाने का 50,000 रुपए का बिल, ये बंदर क्या क्या खा गया 50,000 में भरी दोपहर में? गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। छोड़ दे बंदर ने। खुश नहीं माने, खिलाइए खिलाइए और खिलाओ बंदर को। ये बंदर माना कि नहीं भरी दोपहर में? वो पूछ लेता हूँ ना मैं बंदर से। खाना खाना पर ये कह रहा है कि ये ऐसे थोड़ी ना चला जाएगा, अगर जाएगा तो बकायदा ठीक से विदाई होनी चाहिए, और विदाई के लिए वो चाहता है कि आप उसे कुछ गहने वहने दीजिए तो चला जाएगा वो। तो आप एक काम कीजिए ना, आप अपने ज्वेलर को फोन करके कह दीजिए कि कुछ ज्वेलरी के अच्छे अच्छे सेट लेकर यहाँ पर आ जाए, ये खुद चूज कर लेगा इसे क्या क्या चाहिए। मैडम ये सब क्या हो रहा है भरी दोपहर में? जैसी बांदर चाह रहा है वैसी विदाई कर दे उसकी, खुश कर दे, कहीं थारी बेटी कोई ना विदा कर ले वो अपने संग। लेकिन अरे मान जाओ यार, वरना लोग क्या कहेंगे, अग्निहोत्री का दामाद एक बांदर। नहीं 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 नहीं, मैं कल आता हूँ भरी दोपहर में। गोपी बोल तुझे क्या चाहिए? हाँ देख लेना यार, एक आधा डायमंड का हार मेरे लिए। क्या बात है, मैं भी अपनी बीवी को फोन करके पूछ लेता हूँ उसे क्या चाहिए, मतलब कोई चेन वेन, अंगूठी या पूरा सेट। मैडम मैं कब तक लवलीना से इसी तरह जुड़ा रहूंगा?
नहीं मैडम, इट्स ओके, टेक योर टाइम, आई एम एंजॉयिंग इट। और कौन सा चाहिए? और अच्छा ये भी चाहिए, ये भी, अच्छा ये वाला भी चाहिए, ये भी, अच्छा ये भी चाहिए, ये और ये भी चाहिए, ये सारे सब चाहिए, वैसे तो सब चाहिए। पूरे 5 लाख दीजिए अग्नोत्री साहब। मैडम आप ये क्या कर रही है? आप मुझे इस बंदर से बचवा रही है या लूटवा रही है भरी दोपहर में? ना तो हमने कही थी बेटी को मनोरंजन के लिए जू में लेके जा, जानवरों से दोस्ती करा, फ्रेंडली बनवा, है टीवी ना खोल के दे सकता था घर में तू? भाई गुलगुले ना पूछ जरा अपने बांदर से, इसको सब कुछ सही लग रहा है, खुश है ही भी हो? जी मैडम पूछता हूँ। अरे मैडम ये तो कह रहा है कि ये इनसे इतना खुश है कि इनके अलावा किसी और को अपना ससुर बनाने का सोच तक नहीं सकता ये। सच डैडी, फिर करवा दीजिए ना हम दोनों की शादी, बचवा दीजिए ना बैंड बाजा, आई लव बंदर। अरे चुप। मैडम आप ही कुछ कीजिए इस भरी दोपहर में। भाई गुलगुले, ना इस सिचुएशन में थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आ रहा? आ रहा है मैडम, आ रहा है, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही खटर खटारू चटर चटारू आइडिया। मैडम जरा साइड में आइए ना। हाय तू हमारी शादी में लहंगा पहन के जाना, रैंप वॉक करके मन्ने चूज करवाएगा लहंगा। भाई शशि आ जा भाई। भाई ऐसा है कि थारी बेटी को तो हो गया है बांदर से प्यार, अब ऐसा है इसका मन्ने एक ही लाजिक है कि कहीं थारी बेटी को किसी आदमी से पहले अगर प्रेम हो या अट्रैक्शन हो किसी प्रकार का, और वो आदमी है वापिस आ जावे, तो हो सकता है उसको देख के फिर उसके मन में फीलिंग्स जाग जावे और वो बांदर को छोड़ के उस आदमी से जो है शादी कर ले, तो फिर तो थारी बेटी ह्यूमन स्पीसीज में ही जो है ब्याही जाएगी। ऐसा कोई आदमी है थारी नजर में? था एक लड़का था जिसके साथ मेरी बेटी प्यार करती थी, उसका नाम था इंदर। हाँ लेकिन मैंने उसे डांट के भगा दिया था ना भरी दोपहर में, अब जाने कहाँ वो होगा। भाई ऐसा है वो तो हम पुलिस वालों पे छोड़ दे तू, हम तो पाताल से भी जो है गड़े मुर्दे उखड़वा लाए, पर इस सब काम में जो है 1 लाख रुपया लगेगा। ओके ज्यादा है थोड़ा मैडम ना, बांदर को जो है 5 लाख की ज्वेलरी चूज करवा सके तू, दिलवा सके, पुलिस को 1 लाख ना खिला सके। ओ भाई गोपी भाई छोड़ दे बांदर ने इस पे। नहीं मैडम मुझे मंजूर है, 1 लाख रुपया मंजूर है भरी दोपहर में। भाई ऐसा है फिर तो इट्स वेरी सिंपल, कल जो है ना कल हम करेंगे शादी इस थाने में, लेकिन उस शादी में हम बांदर और थारी बेटी को बिठाएंगे, एक ड्रामा सा करेंगे कि इनकी शादी होने वाली है, इतने में जो है इंदर की करवा देंगे एंट्री। इंदर को देख के हो सकता है थारी बेटी का जो है ना दिल एकदम जाग जाए, हृदय परिवर्तन हो जावे और वो बांदर ने छोड़ के इंदर ने धर ले। हैं क्लियर? मंजूर से? मंजूर है मैडम, मुझे मंजूर है, लेकिन एक टेंशन है मुझे, एक बात खटक रही है कि अगर आपको इंदर ना मिला तो मेरी बेटी की शादी तो बंदर के साथ हो जाएगी ना भरी दोपहर में। नहीं ओ वर्दी, हमने कॉमेडी सीरियल बनाने के लिए पहनी है, नौसिखिए हो रहे हैं हम, बालक हो रहे हैं, घूम रहे हैं इधर से उधर, हमें कुछ बेरा ही ना है, ढूंढ लेंगे हम थारे इंदर ने, तू निकले यहाँ से। पक्का ना? ना हमें सिखा रहा है काम, बताओ। नहीं भरी दोपहर में ढूंढ लेंगे ना आप। चीजी निकल यहाँ जा। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की। अरे बोली है मैडम अगर ये इंदर एज इंदर एंट्री लेगा तो बंदर के कपड़ों में कौन होगा? हम बनेंगे बंदर, हम बनेंगे बंदर।
इस प्यार से भरे केस को सॉल्व करने के लिए चंद्रमुखी जी मैं आपके साथ मतलब बंदर बन के उस लवलीना के साथ शादी के मंडप में बैठने के लिए हम तैयार हैं। No, actually it's all because of you. I mean love. I mean us whatever. You say bandar confirm. Okay? What's up with that man? It's all because of you, Chandramukhi ji. Bas bas. Oh Pandit ji, ज्यादा जो है ना आंखें फाड़ फाड़ के आश्चर्यचकित होने की कोई जरूरत ना है ना, क्यों बांदर की फीलिंग्स ना हो सके। इस चौकी में बांदर और छोरी की शादी हो रही है, हम करा रहे हैं, डू हैव प्रॉब्लम भैया साहब, जल्दी से मंत्र पढ़ और शादी निपटा। अरे एक मिनट मैडम, अरे कब आएगा इंदर, अब तो शादी होने वाली है। अरे पेशेंस, ठहरो। यह शादी नहीं हो सकती क्योंकि इंदर मिल गया है। इंदर तुम यहाँ? अरे लवलीना, तुम मेरे होते हुए इस बंदर के साथ शादी करे? हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये बंदर के साथ शादी क्यों कर रही हो भरी दोपहर में। तो फिर मैं और किससे शादी करूँ? आपने इंदर से भी मेरी शादी नहीं होने दी डारी। ओहो ईगर टू मेरी नमन ने यो बता कि अगर तो थारी शादी थारा डैडी इंदर से करा दे तो तू इस बांदर ने छोड़ देगी। हाँ हाँ अभी इसी वक्त छोड़ दूंगी मैं। बस तो सफी अंकल ऐसा है ना, अपनी बेटी और इस इंदर को लेके मंदिर में जाओ और जल्दी इनकी शादी करा, तब तक जो है हम इस बंदर में धर के रखते हैं। वाह चंद्रमुखी जी वाह, अरे जिस तरह आपने बनाए इनकी जोड़ी, खुदा भी बनाए आपकी जोड़ी, क्या बात है सर। अभी तक तो पैदा ना हुआ वो शख्स जो लाए मारी बारात और चढ़ जाए घोड़ी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।